हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की डीओई की तरफ से आपको एक सपोर्ट मटेरियल की बुक मिली हुई है। तो यहाँ पर हमने अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर कराने वाली हूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सीबीएसई में आपके पास 2020 में आया हुआ। तो आप लोगों को पता है कि जितने भी क्वेश्चन सीबीएसई में आए होते हैं वो तो आपको करने ही करने होते हैं बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, साथ के साथ और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करने होते हैं। तो क्वेश्चन को जल्दी से रीड कर लेते हैं। यहाँ पर तो आपसे कह रहा है, अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। कह रहा है एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए तो उसे वही सेम डिस्टेंस, मतलब वही 480 वाला डिस्टेंस 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे ट्रेवल कवर करने में। तो बताओ उस ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड क्या थी। क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बोला कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने बहुत ज़रूरी होते हैं बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले। तो यहाँ पर मेरे पास एक बुक है, एक सीबीएसई का क्वेश्चन बैंक है, मतलब क्वेश्चन बैंक समझो आप, या फिर ये समझो कि बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन की बुक है ये एक तरीके से। आपके पास चैप्टर वाइज एंड कैटेगरी वाइज ये बुक है आपके पास। यहाँ पर ओसवाल गुरुकुल की ये बुक है, इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस वाले हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, सब चीज़ आपको इसी बुक के अंदर मिलेगी। स्पेशली क्लास 10th के लिए ये बुक है, और जो अब एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में बोर्ड एग्जाम जो कि आप लोगों का है, उसी के लिए ही ये बुक बनाई गई है। एक बार मैं आपको जल्दी से इसका कंटेंट दिखा देती हूँ यहाँ पर, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं वापसी। तो अगर आप स्टार्टिंग देखें बुक, तो आपको यहाँ पर पहले सिलेबस से मिलेगा, जो भी आपका सिलेबस है मैथ्स का वो सारा यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। उसके साथ साथ फिर आपको यहाँ पर ये मार्किंग दे रखी है कि किस अकॉर्डिंग आपकी बोर्ड एग्जाम में मार्किंग स्कीम रहेगी, ठीक है। उसके बाद देखें तो ये कंटेंट आपको दे रखा है पूरा यहाँ पर। देखो यहाँ पर लिखा है सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी है साथ के साथ, 2024 का बोर्ड का पेपर भी। तो एक ही बुक में सब चीज़ मिल गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल गए, बोर्ड वाले जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मिल गए, प्लस सबसे अच्छा पॉइंट माइंड मैप मिल रहा है यहाँ पर हर चैप्टर का, जो आपको एग्जाम टाइम पे सबसे ज़्यादा काम आता है। बच्चे इसको स्पेशली खुद बनाते हैं, यहाँ पर आपको बना बनाया मिल रहा है, तो इससे आपका टाइम सेव हो रहा है। इसका एक और प्लस पॉइंट है इस बुक का, वो क्या है, हर चैप्टर में ना आपको यहाँ पर ये मिलेगा वर्ड ऑफ एडवाइस। ये क्या चीज़ है, आपको पहले ये बताया जाएगा कि उस चैप्टर में कौन सा टॉपिक मोस्ट डिफिकल्ट रहता है बच्चों के लिए, ताकि आप उसे अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। दूसरा, बच्चे कहाँ कहाँ गलती करते हैं चैप्टर में, वो भी आपको यहाँ पर मेंशन है। आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यही सेम मिस्टेक्स हम करते हैं, तो ये भी एक अच्छा प्लस पॉइंट है इसके अंदर। हर चैप्टर में मेंशन है, तो आप हर चैप्टर में देख सकते हैं कि हम यहाँ यहाँ गलती करते हैं, उन्हें पहले ही सही कर लो ताकि बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत ही ना हो। अब अगर मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखा दूँ, देख लो ना सारे बोर्ड क्वेश्चन लिखे हुए सब जगह, तो काफ़ी अच्छी बुक है ये। इसकी बाय लिंक ना मैं आपको नीचे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप एक बार देखिएगा ज़रूर। कोई भी दिक्कत लगे इस बुक से रिलेटेड, कोई पूछना हो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। जो एक्सप्लेनेशन दे रखी है ना इसमें आपको क्वेश्चंस के आंसर्स के, वो भी बहुत अच्छी दे रखी है, बहुत इजी लैंग्वेज में दे रखी है, आप इजीली खुद से भी समझ। बोर्ड के क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, और क्या चाहिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए, यही सब तो चाहिए चाहिए नहीं चाहिए। तो चलिए अब आप कुछ पूछना हो इस बुक से रिलेटेड तो पूछिएगा ज़रूर, बाय लिंक आपको नीचे मिल ही जाएगी डिस्क्रिप्शन। हम आ जाते हैं वापसी अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमने समझ ही लिया था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहली बात, ओरिजिनल स्पीड को लेट कर लेते हैं, लेट ओरिजिनल स्पीड इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो टाइम टेकन कितना आएगा, वो आपके पास आ जाएगा डिस्टेंस 480 था अपॉन में स्पीड एक्स हो गई। अब न्यू स्पीड कैसे निकलेगी आपकी, कह रहा था 8 किलोमीटर कम हो गई, एक्स माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो गया। फिर न्यू टाइम निकाल देते हैं, यहाँ पर टाइम कितना लेगा, वो कह रहा था 3 घंटे ज़्यादा लेगा, है ना। तो टाइम टेकन पहले यहाँ पर निकालते हैं, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। अब टाइम टेकन हो जाएगा 480 अपॉन में स्पीड एक्स माइनस 8, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा था 3 घंटे फालतू लगेंगे, तो इसका मतलब इस वाले में टाइम ज़्यादा लगेगा 480 अपॉन में एक्स माइनस 8 में, और माइनस यहाँ पर आ जाएगा 480 अपॉन में एक्स। नए वाले टाइम में से पुराने वाला जो ओरिजिनल टाइम था उसे माइनस करोगे, तभी तो पता चला है 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है ना। चलो अब बेस सेम करते हैं, एक्स माइनस 8 टू मैक्स, यहाँ पर आ जाएगा 480 एक्स माइनस, यहाँ पर आ जाएगा 480
एक्स माइनस एट, और ये थ्री ऐसी है, तो ये हो गया आपके पास 480 एक्स माइनस 480 को अंदर इंटू किया तो 480 एक्स प्लस, अब 480 को आपने क्या किया यहाँ पर 3 से इंटू किया तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 8 से इंटू किया तो 3840। नीचे आपके पास x माइनस 8 इंटू में x ऐसी है और यहाँ पर 3 ऐसी है, ये तो कट गए। अब बचा 3840, डिनोमिनेटर को दूसरी साइड पे ले आई तो वो था एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, ठीक है। p को मैं यहाँ पर नीचे ले आई क्योंकि मुझे पता था 3840 जो है वो 3 की टेबल से कट हो रहा है, डिविजिबिलिटी रूल लगा के मैंने यहाँ चेक कर लिया तो वो 1280 पे कट हो रहा था। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास यहाँ पर बन रही है, वो क्या बन रही है एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1280 बराबर में 0। बेस को नहीं, सॉरी बेस सेम नहीं करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे मिडल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, तो प्लस माइनस करके आपको 8x चाहिए और वैसे आपको 1280 चाहिए, तो 40 और 30 ले लो आसानी से हो जाएगा। 40x प्लस 32 ले लिया मैंने, माइनस का 1280 आ गया, इस इक्वल्स टू में 8x 0 ऐसी है। क्लियरिंग कर दी, x कॉमन लिया तो यहाँ x माइनस का 40 बचा, 32 कॉमन लिया तो यहाँ पर भी x माइनस का 40 बचेगा, ठीक है। अब एक आ गया आपके पास x माइनस 40 और एक आ गया आपके पास x प्लस का 32, इक्वल टू में 0 है। एक बार इसको 0 के इक्वल रख दिया, x की वैल्यू 40 आ गई, एक बार इसको 0 के इक्वल रख दिया तो x की वैल्यू माइनस का 32 आ गई। अब स्पीड तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती ना, ये तो नॉट पॉसिबल हो गया, तो इसका मतलब ओरिजिनल स्पीड कितनी आ गई, ओरिजिनल स्पीड आ गई आपके पास 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, तो ये था क्वेश्चन नंबर 46 आपके पास। तो आज हमने एक क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर लिया, एक लास्ट क्वेश्चन 47 रह गया, देन ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये क्वेश्चन भी करा दूंगी, कहीं दिक्कत लगे इस क्वेश्चन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियो ज़रूर शेयर। थैंक यू।